तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एल्डिजेसिक पी टेबलेट के बारे में डिटेल्स बातें करेंगे। आप लोगों को पता है एक पेन क्लियर मेडिसिन है, एनाल्जेसिक मेडिसिन है। तो कौन कौन सा पेन में ये टेबलेट ज़्यादा रिजल्ट दिखाता है और इसका डोज कितना दिया जाता है, दिन में कितना बार ले सकते हैं आप लोग और कितना दिन तक ले सकते हैं, और इस टेबलेट का अगर कुछ साइड इफेक्ट हो तो साइड इफेक्ट के दौर से क्या नुकसान दिखाता है, तो ये सब डिटेल्स बातें करेंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, और अगर चैनल नया देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फार्मेसी के हर एक मेडिसिन के ऊपर एक एक वीडियो बना के हम लोग इस चैनल में अपलोड करते हैं। तो अगर आप लोग फार्मेसी के बारे में सीखना चाहते हैं या मेडिसिन के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट को मैन्युफैक्चर करता है एलकेम कंपनी ने, इसको इस टैबलेट को बनाता है। और इस टैबलेट में दो इंग्रेडिएंट है, एक तो आपका एसिक्लोफेनेक है और साथ में पैरासीटामोल भी है। तो दो इंग्रेडिएंट मिलके इस टैबलेट को बनाया गया है और पेन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि आपका जो टीथ एक होता है, जो दांत में जो दर्द होता है, दांत का दर्द में ये टेबलेट बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। इस टेबलेट का साथ अगर कोई एंटीबायोटिक देने से, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन हो या एमोक्सिक्लेव हो, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवोनेट वाला, तो ऐसा टेबलेट एक साथ देने से ये दांत का दर्द में ये एल्डिजेसिक पी टेबलेट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और आप लोगों को किसी भी तरह का चोट लगने से, आप लोगों का अगर बोन फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी आप लोगों का टूट जाता है, तो उस केस में बहुत पेन होता है, दर्द बहुत होता है, तो उस केस में भी ये एल्डिजेसिक पी टेबलेट दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और अगर आपका बोन फ्रैक्चर नहीं होने से भी जो आप लोगों का सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो जाता है, एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग दिखाता है एक्सरे रिपोर्ट में, तो उस केस में भी दर्द होता है, तो उसमें भी आप लोग ये एल्डिजेसिक पी टेबलेट दे सकते हैं। आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में जो आप लोगों का जॉइंट में पेन होता है, घुटनों में जो पेन होता है बहुत, तो उस आर्थराइटिस के पेशेंट को भी आप लोग ये एल्डिजेसिक पी टेबलेट दे सकते हैं। इसके साथ आप लोग यूरिक एसिड का पेशेंट को भी ये दर्द होता है, तो यूरिक एसिड का वो पेशेंट को भी ये दर्द कमाने के लिए आप लोग ये एल्डिजेसिक पी टेबलेट दे सकते हैं। और किसी भी कारण अगर आप लोगों को मसल पेन हो, जैसे कि आप लोग ज़्यादा जिम करने का कारण भी आप लोगों को मसल पेन हो सकता है, या ज़्यादा खेलना कूदने के कारण भी आप लोगों को मसल पेन हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, तो ये सब मसल पेन कमाने के लिए भी आप लोग ये एल्डिजेसिक पी टेबलेट ले सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है इस टेबलेट ने। तो फ्रेंड्स, इस टेबलेट का अगर डोज के बारे में बातें करूँ, तो हमेशा मेडिसिन का डोज तो पेशेंट का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, और पेशेंट का बॉडी वेट, पेशेंट का एज, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी अगर इसका कॉमन डोज के बारे में बात करूँ, तो इसका जो कॉमन डोज है वो आप लोग बीडी करके ले सकते हैं, आप लोग दिन में दो टाइम करके ले सकते हैं 12 आवरली, एक सुबह एक शाम। और अगर ज़्यादा दर्द नहीं है आपका, ज़्यादा पेन नहीं है, तो दिन में एक ही टेबलेट लेने से ठीक है। आप लोग जब आप लोगों का दर्द हो, तब खाना खाने के बाद आप लोग अगर एक टेबलेट ले लेंगे तो फिर ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग 3 दिन या 5 दिन लेना चाहिए ये टेबलेट। और अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बातें करूँ, तो साइड इफ़ेक्ट ये एनसीड्स ग्रुप का मेडिसिन है, और इसका तो मेन साइड इफ़ेक्ट आपका एसिडिटी होता है, तो इसलिए इस टेबलेट के साथ हमेशा एक तो एंटासिड टेबलेट दिया जाता है, कोई भी जैसे कि पेंटाप्राजोल, उमेप्राजोल, रेविप्राजोल, ऐसा कुछ भी एक तो एंटासिड टेबलेट दिया जाता है। और इसके साथ कोई कोई पेशेंट में आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हुआ देखा जाता है, कोई कोई पेशेंट नोजिया फील करता है, किसी को वोमिटिंग होता भी है, तो ऐसा छोटा मोटा कुछ साइड इफेक्ट देखा जाता है। और इसका ऊपर भी अगर आप लोगों को कुछ साइड इफेक्ट मिले, कोई प्रॉब्लम मिले आप लोगों को, तो आप लोग डॉक्टर का कंसल्ट कर लीजिएगा या आपका पास का फार्मासिस्ट का कंसल्ट कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप लोग इस टेबलेट को लीजिएगा।